नमस्कार सत श्री अकाल आदाब साथियों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। यदि चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों जो खबर कुवैत से आ रही है, कुवैत में दोस्तों और इंडिया में हमेशा ये लगातार ये बातें चल रही थी कि कुवैत में जितने भी इंडियन फंसे हैं उन्हें वापस लाया जाए। तो दोस्तों कुवैत और इंडिया में बातचीत हो गई और इनमें दोस्तों सहमति जताई गई है कि 1000 इंडियन पर डे इंडिया लाया जाएगा जितने भी वहाँ पर वर्कर फंसे हुए हैं। तो दोस्तों ये स्टार्ट होगा 10 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक। तो 10 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक लगातार इंडियन को वहाँ पे लाया जाएगा, 1000 डेली इंडियन को। तो उनमें से दोस्तों आपको बता दूँ, उसमें 1000 पैसेंजर होगा, उनमें से 500 जो पैसेंजर होगा वो डोमेस्टिक एयरलाइन के जरिए आएगा और 500 जो पैसेंजर होगा वो इंडियन एयरलाइंस के जरिए लाया जाएगा। अगली खबर साथियों जा रही, अवकाफ टू कंट्रीब्यूट $1 million फॉर लेबनान। दोस्तों आपको पता होगा लेबनान में बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी थी, जिसके बाद दोस्तों वहाँ के जो कुवैत में जो अवकाफ बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ अवकाफ एंड इस्लामिक अफेयर, उन्होंने दोस्तों $1 million लेबनान को दोस्तों मदद भेजी है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा लेबनान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए हैं। तो हर देश से द्वारा लेबनान को मदद दी जा रही है। अगली खबर साथियों चलिए चलते हम लोग, IPL सेट टू बी स्टेज इन UAE। साथियों आपको पता होगा कि IPL इंडिया में बहुत ही बड़ा वाला लीग होता है जो इंडिया में हमेशा करवाया जाता था, पर दोस्तों COVID-19 के चलते IPL जो इस साल इंडिया में नहीं हो पाया और वो IPL इस बार होगा UAE, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। तो ये स्टार्ट होने वाला है 19 सितंबर से और ये चलेगा 10 नवंबर तक और ये होगा दोस्तों दुबई में होगा, शारजा में होगा, अबू धाबी में होगा, ये सब शहरों में जो है स्टेडियम में यहाँ पे होगा। यदि दोस्तों आप दुबई में रहते हैं या यूए के किसी पार्ट में रहते हैं तो यदि IPL देखना आपको पसंद है तो आप देखने जा सकते हैं। अगली खबर साथ ही हमारी, 2 Asian women टू बी डिपोर्टेड फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। दोस्तों 2 महिला को वहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए उसे डिपोर्ट कर दिया गया अपने मुल्क। दोस्तों 2 महिला को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उसको पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद वो गुनहगार पाई गई, उसके बाद दोस्तों उसको अपने अपने मुल्क भेज दिया गया है। तो यदि साथियों ऐसा काम आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वहाँ पे करना गैरकानूनी है। अगली खबर साथियों हमारी बहुत ही बुरी खबर साथियों आपको बता दूं, एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम दुबई टू केरला कैरिंग 199 वॉट क्रैश लैंड कोझिकोडी एयरपोर्ट। दोस्तों आपको पता होगा कल के दिन बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी इंडिया में, एक फ्लाइट दोस्तों आ रही थी दुबई से इंडिया, तो वो कोझिकोडी आ रही थी। तो दोस्तों वो फ्लाइट सही से तो आ गई पर लैंडिंग के समय वो स्लिप कर गई बारिश के कारण, जिसके कारण दोस्तों वहाँ पे करीब 16 से 17 लोगों के वहाँ पे जान चली गई है। उसमें 2 क्रू मेंबर थे, जो दोनों पायलट को जान चली गई है और कुछ वहाँ पैसेंजर को मारे जाने की खबर आ रही है। साथियों आपको बता दूँ उसमें 190 करीब यात्री संभाल थे, इसमें सवार थे, जिसमें 10 करीब इन्फेंट थे, मतलब बच्चे और बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। तो काफ़ी बुरी खबर साथियों, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। फ्लाइट का दोस्तों नाम था बोइंग 737 एयरक्राफ्ट था, जो दुबई टू कैलिकट आ रही थी। तो चलिए साथियों चलते हैं हम लोग अगली खबर की ओर। अगली खबर साथियों जो आ रही, कुवैत होली फैमिली कैथेड्रल ओपन इट्स डोर फ्रॉम आफ्टर 4 मंथ। दोस्तों कुवैत में जितने भी वहाँ पे जो चर्च वगैरह सभी को करीब 4 महीनों के बाद खोल दिया गया है। वो खोलने के बाद ये खोला गया दोस्तों 7 अगस्त 2020 को ये खोला गया। तो क्योंकि वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे इंडियन, फिलिपिनो, श्रीलंकन रहते हैं जो वहाँ पे जाते हैं, तो दोस्तों इसे खोला तो जा चुका है पर कुछ नियम रूल बनाए गए हैं, उसके रूल को फॉलो करते ही अंदर आप जा सकते हैं। अगली खबर साथियों हमारी, इलीगल रेसिडेंट अरेस्टेड इन एक्युमुलेशन मैसिव वेल्थ एंड मनी लॉन्ड्रिंग। दोस्तों एक इलीगल शख्स को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। इलीगल जो शख्स था दोस्तों वो रह रहा था साउथ सूरा अल सलाम एरिया में, वो रहता था तो दोस्तों बिल्कुल इलीगल तरीके से वहाँ से रह रहा था, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ खबर आ रही थी कुवैत से, मैंने सोचा आप तक शेयर करूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी होती रहे। तो मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।